हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज से हम हमारी हिंदी शुरू करने जा रहे हैं। ओके, मैं आप सब लोगों से मिली नहीं हूँ और मुझे पता नहीं है कि आप सब में से किस किस को कितना पढ़ना या कितना आता है हिंदी। सो मैं शुरुआत से ही शुरू करूँगी, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ द अल्फाबेट। आपको अच्छे से पता है कि अंग्रेजी में जो है, आपको अगर पढ़ना सीखना है अंग्रेजी, तो आपको पहले अल्फाबेट सीखने पड़ते हैं, राइट। सो आप पहले अल्फाबेट सीखते हो, जैसे कि ए बी सी डी, राइट। सो ये जो है अंग्रेजी की वर्णमाला का है, कही जाती है, इसको हम अंग्रेजी में अल्फाबेट्स बोलते हैं, राइट। और हिंदी में जो होती है वर्णमाला, उसमें दो प्रकार होते हैं, वो है स्वर और व्यंजन। तो पहले हम स्वर पढ़ेंगे कि उसको कैसे पढ़ा जाता है। इसको बोलते हैं अ, आ, ई, ई, उ, उ, रु, ए, ऐ, ओ, औ, अम और अह। इसको छोटा वाला ई और ह्रस्वई बोलते हैं और इसको बड़ा वाला और दीर्घई कहा जाता है, और इसको ह्रस्व उ और दीर्घ उ कहा जाता है। यह क, ख, ग, ग, च, छ, झ, स, ट, ठ, ड, ड, ण, त, थ, ड, त, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, 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 ह, श, ग्न, त्र और स्र। अभी हम स्कूल में नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है मुझे आप लोगों को सिखाना, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आप में से किसको कितना आता है, राइट। इन सबको बोलने की और लिखने की आपको घर पे प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप इसको अच्छे से बोल पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। सो इस और इफ यू हैव दिस बुक एट योर होम, यू कैन राइट इन योर बुक। आप इसको अपनी बुक में भी लिख सकते हैं अगर आपके पास है, और अगर नहीं है तो मुझे आपको नोटबुक में लिखकर आपको मुझे वो भेजना होगा, ठीक है। अभी हम चित्र के साथ वर्णमाला को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अ से अनार, अनार का पहला शब्द क्या है, पहला वर्ण क्या है, अनार, अ, इसलिए इसको अ से अनार। आ से आम, ई से इमली, ई से इक, उ से उल्लू, उ से ऊन, ऋ से ऋषि, ए से एली, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर, अह से अह। ये सारे जो है स्वर, इसको हम अंग्रेजी में वाउल्स बोलते हैं, राइट। सो ये जो है बहुत ही जरूरी है सीखना, क्योंकि इसके बिना जो है हम हिंदी बोलना सीख नहीं पाएंगे। क से कमल, ख से खरगोश,
ग से गणेश जी, घ से घड़ी, च से चरखा, छ से छाता, झ से जहाज, ज से झंडा, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ड से ढक्कन, ण से बाण, त से तलवार, थ से थन, द से दवात, द से धनुष, न से नगाड़ा, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भगत, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लड़की, व से वजन, स से शरबत, श से षटकोण, स से सपेरा, ह से हल, श से क्षत्रिय, ज्ञ से ज्ञानी, त्र से त्रिशूल, श्र से श्रवण। मैंने आपको एक बार पढ़कर सुना दिया है, अब आपको इसको लिखा कैसे जाता है वो भी दिखाती हूँ, ठीक है। अभी पहले हम स्वर यानी कि वाउल्स के बारे में सीखेंगे। हिंदी भाषा जो है बच्चों, हिंदी भाषा हमेशा ऊपर की लाइन से टंगी हुई होनी चाहिए, ठीक है। इसको इस तरह से लिखते हैं, इसको आप इस तरह से नहीं लिख सकते, ये गलत तरीका है हिंदी लिखने का, ये सही तरीका है। और इसके ऊपर ये शिरो रेखा यानी कि लाइन होना बहुत जरूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अ, इसे बोलते हैं दीर्घई। इसको पढ़ना ई है लेकिन इसकी जो पहचान है वो है दीर्घई और इसकी रस्वई। इसे कहते हैं रू। ए, ए, ओ, ओ, अम, इसको अम अथवा अन दोनों बोला जा सकता है, सी अम और अन, क्योंकि कभी कभार जो है इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो अन से होता है और कभी कभी अम से होता है, इसलिए जैसे कि अंगूर तो वहां पर अंगूर न बोला गया है। और यहाँ पर अह, इसलिए इसको अम और अन दोनों बोला जा सकता है। जैसे कि अम अगर लिखा गया है अमंगल, अंगूर, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, अंगूर, अंगूर नहीं अंगूर, अंगूर। आई बात समझ में?
ओके चलो अब सीखेंगे व्यंजन। प ख ग ख च छ ज, इसको ज पढ़ना है और इसको ज, राइट, इसको ज पढ़ना है और इसको ज। ट ठ ड ट ण त थ ड त न प फ व प म य र ल व स, इसको क्या बोलते हैं, श श श, और इसको बोलते हैं स स और श। आपको अंतर दिखाई दे रहा है, जिस सुनाई दे रहा है, जिसमें मैं स और श में बोल रही हूँ, सो इसको श ऐसे बोला जाता है और इसको स इस तरह से बोला जाता है। ह श न ग्न त्र और श्र। इसको आपको जो है लिखने की और इसको पढ़ने की हर रोज एक बार प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से लिख पाओगे और अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। आपको आता होगा क ख ग घ लिखना, लेकिन उसको सही ढंग से लिखना भी जरूरी है। ऐसे ही आप लिख दोगे तो वो अच्छी बात नहीं है, इसलिए आपको जो है इसको जैसा कि इस बुक में दिया गया है उसी तरह से इसके जो है सारे होने चाहिए, ठीक है। सो वो अच्छा दिखाई देगा, आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी और आप उसको पढ़ भी अच्छे से पाओगे। और कुछ जो वर्ण है उसका वो दिखने में और बोलने में सेम लगते हैं, एकदम समान लगते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग ढंग से बोला जाता है, जैसे कि श और स में है, जैसा कि ज और ज में है, हियर ज और ज, यहाँ पर है श और स, इन दोनों को श श ऐसे बोला जाता है और इसको स ऐसे बोला जाता है। और ये देखिए यहाँ पर है घ और यहाँ पर है द,
ये दोनों दिखने में बिल्कुल समान है, लेकिन इसको ग बोला जाता है और इसको ध। सो इसीलिए यहाँ पर ध में जो है ये बिंदु है, ठीक है, इसको द बोला जाता है और इसको ग। तो ये जो कुछ बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है और इसका हर रोज आपको अभ्यास करना है, हर रोज, ठीक है, तभी उसको आप अच्छे से लिख पाओगे। आप में से कई स्टूडेंट्स को जो है ये लिखना आता होगा, पढ़ना आता होगा, लेकिन फिर भी इसके आप जितनी ज़्यादा अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा आप उसको लिखेंगे, उतना ज़्यादा जो है आपके अक्षर सही होंगे, ठीक है। चलो आज के लिए हिंदी में इतना ही, अभी हम बाकी का जो है वो हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। बाय बाय।